पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पिछले 5 दिन से जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। कई इलाकों में सेना को तैनात कर दिया गया है और स्कूल कॉलेज को बंद करवा दिया गया है। अलग गोरखालैंड राज्य बनाने को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आंदोलन शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग के घर और दफ्तर पर गुरुवार को छापे के बाद रात में कई जगह आग लगाने की घटनाएं हुई। जीजेएम समर्थकों ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिजली ऑफिस और कलिंगपोंग में पंचायत भवन समेत कई जगहों पर आग लगा दी। इस आंदोलन की वजह से कई पर्यटक दार्जिलिंग में फंसे हुए हैं। जीजेएम महासचिव रोशन गिरी और दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद एसएस अहलुवालिया ने गुरुवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। गोरखालैंड पर कंक्रीट बातचीत हो तब होगा। ठीक है, तो जीटीए में आप लोग वापस जा सकते हैं? नहीं, जीटीए का तो सवाल ही नहीं आता है ना, जीटीए का। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि राज्य और केंद्र को इस मसले का समाधान निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में विशेष रूप से है, वो हर चीज में राजनीति करती है और जो सहयोग अपेक्षित केंद्र सरकार से है वो संभवतः वहाँ नहीं दिया जा रहा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी उसका समाधान कोई न कोई निकलेगा और स्थिति वहाँ सामान्य होगी। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जीजेएम पार्टी के सिंगमारी ऑफिस सहित दार्जिलिंग के कई स्थानों पर सेना की तैनाती कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।